लाल फाइल सेफ में रख दो, इसमें हमारा सारा कच्चा चिट्ठा है। ये 107 सेफ का कोड मिल गया है मोमजी। सॉरी सरस्वती आंटी, सॉरी वेदिका, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, आज उन्हें ही धोखा देने जा रही हूँ। हार भी मिलेगा, कोयल और वेदिका का रिश्ता भी टूटेगा। फाइल रख दी जी। और पासकोड अब नहीं भूलूंगा। और उसका क्या? वो ओवर स्मार्ट लड़की खुश हो रही होगी कि उसे सेफ का पासकोड मिल गया, अब उसे वो फाइल भी मिल जाएगी जिसमें हमारे सारे राज छुपे हैं। पर वो बेवकूफ़ ये नहीं जानती कि पासकोड से मिला नहीं है, हमने दिया है। क्या सागर का बर्थडे 3107? अब पूजा के दिन जब वो लड़की सेफ खोलेगी फाइल लेने के लिए, तब 10 करोड़ का हार चोरी करने का इल्जाम उस पर लग जाएगा और उसके बाद जेल। दयाल सिंह की तरह ताउम्र जेल में पड़ी रहेगी, न कोई सुनवाई न कोई फैसला। ना गौतम का केस रीओपन होगा और ना ही सरस्वती को इंसाफ मिलेगा। वो लड़की खुद को कानून का सबसे बड़ा रखवाला समझती है। बेचारी ये नहीं जानती कि राजेश्वरी नीति राजेश्वरी को कभी हारने नहीं देगी। कोयल, तुम्हें नीचे सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लेकिन ये बेड टूटा कैसे? अरे वो सागर सर आया। क्या ये हरकत उस दफा 420 की है? कोयल, उन्हें 420 तो मत बोलो तुम। हाय हाय, 420 को 420 का तो बुरा लग गया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हम उनके घर में रहते हैं और उनके बारे में गलत बोलेंगे अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन तुम्हारे सागर सर इस रूम में क्या कर रहे थे? क्या बातें हो रही हैं? बता दो। आइए ना आंटी, मैं तो बस वेदिका से ये पूछ रही थी कि ये बेड कैसे टूटा। अरे कल वेदिका के कमरे में छिपकली घुस गई थी तो थोड़ा सा डर गई थी वो। Anyway, तुम दोनों के लिए दूध लाई हूँ, दीजिए। आप बैठिए, आइए ना आंटी प्लीज। ये बेस्ट सीट है गद्दा, आओ बैठो। ये लो कोयल। आई एम सो हैप्पी तुम दोनों यहीं आ गए और पूजा में भी मेरे साथ रहोगे। अब खाटू श्याम जी मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यस आंटी, और हम दोनों आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। लो कोयल, मुझे समझ में ही नहीं आता इस लड़की को बैठकर खाने पीने में क्या तकलीफ है। वेदिका चलो बैठो। आंटी, कम से कम आंटी की बात तो मान लो। वेदिका प्लीज बैठो। अरे इसमें कुछ सामान मिसिंग है, मैं बस वो एक बार। हो जाएगा, सब हो जाएगा, पहले तुम आओ। ओके बैठ गई। इसमें केसर है आंटी और बादाम भी। नींद अच्छी आती है। आपका ग्लास कहाँ है? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अच्छी नींद की जरूरत तो आपको भी है ना। एक काम करो, आप मेरा वाला ग्लास रख लो, मैं और वेदिका शेयर कर लेंगे। क्यों वकील साहब? Of course, yes. ये तुम्हारे लिए लाई थी मैं। जिद्दी। आंटी। Cheers. Cheers. कारी घनी से रात थारी भोर होगी गोरी, गोदी माँ सुलाऊंगा धीमे धीमे डोरी। हल्के हल्के मूंद के ये पल के निंदिया की डोली में बैठ के चलो रे, लोरी 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 लोरी। थैंक्स वेदिका। थैंक्स कोयल। आज तुम दोनों की वजह से चाची के चेहरे पर इतना सुकून देखने को मिला है। थैंक्स। ये लड़कियां जानवी और यामिनी नहीं है, हमें पूरा यकीन है, पर पता नहीं क्यों सरस्वती के साथ इनकी नजदीकियां हमें अच्छी नहीं लगती। इट्स ओके राजेश्वरी, ये जूनियर कनखजूरी कल ही दूर चली जाएगी। और रही बात इस दूसरी लड़की की, इस चीटी को हम आसानी से मसल देंगे। मैं जानती हूँ आंटी, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप मुझे अपनी सी लगती है। आपके लिए उस हर रास्ते तक पहुंचना चाहती हूँ, सिर्फ आपको इंसाफ दिलाने के लिए। मानो कहीं ना कहीं आपका पीता कल मुझसे जुड़ा है। रात के बज रहे हैं 12। ये है महेश्वरी हाउस और ये हूँ मैं, वन एंड ओनली आपकी लाली। ये कौन है? मुझे डरा दिया। इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पे? वेदिका, हेलो, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या तुझे? अरे वेदिका, सर फोड़ दूंगी, रोकना मत। सर फोड़ दूंगी, रोकना मत। ये तो नींद में चल रही है। मैंने कहीं पढ़ा था अगर इन लोगों को रोका जाए तो वही मार पिटाई शुरू कर देते हैं। सर फोड़ दूंगी, रोकना मत। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वरना सच में सर फोड़ जाएगा। थैंक गॉड लाली आंटी चली गई है। ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें गलत जगह जाने से रोक रहा हूँ। तुम मुझे, आई मीन, तुम मेरे रूम को ढूंढ रही हो। क्यों? कल रात का हिसाब बराबर करने के लिए। कल रात को मैं तुम्हारे रूम में आया था ना। हेलो मैडम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो मैं ये कह रही थी कि ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ये मुझसे ऐसे मिलना, इस तरह मेरे पास आना, मुझे घूरना। मैं तुम्हें कहाँ घूर रहा हूँ? Yes, you are. Nope. Okay then, good night. आप जाइए। नहीं, पहले आप जाइए। Ladies first. ये कैसे हो सकता है? वेदिका कमरे में जाने ही वाली थी, वो सेफ खोलती, हमें प्रूफ मिल जाता, पर उसी समय सागर वहां कैसे पहुंच सकता है? ये सागर और वेदिका? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ये होने नहीं देंगे। इससे पहले कि उन दोनों में नजदीक या बढ़े, प्यार व्यार का चक्कर शुरू हो जाए, हम उन्हें अलग कर देंगे। हाँ। सरस्वती के बाद अगर हम किसी से नफरत करते हैं ना, तो वो है ये जूनियर कल कचूरी। ये देखो, तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। कल पूजा में यही पहनना। पर आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं? तुम दोनों मेरी बेटियों जैसी हो ना, तो मैंने वही रंग चुने जो जानवी और यामिनी को पसंद थे। अब आप चाहती ही है कि हम ये पहन ले, तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं रेड चूज कर सकती हूँ? ओह माय गॉड, मैं भी यही कहने वाली थी। प्लीज मुझे व्हाइट वाली ड्रेस दे दो, इट इज माय फेवरेट कलर। प्लीज। व्हाइट यामिनी का फेवरेट कलर था और रेड जानवी का। रियली आंटी, जब आपको जानवी और यामिनी मिल जाएंगे, तब तो हम दोनों का पत्ता कट हो जाएगा। कितनी नाराज हो जाएंगी वो दोनों। वही तो, पहले हमने उनके नाम के स्वेटर्स ले लिए और अब ड्रेस भी। बिल्कुल भी नहीं, उल्टा वो दोनों खुश होंगी और कहेंगी कि हम नहीं थे तो तुम दोनों ने हमारे मामा का कितना अच्छे से ख्याल रखा। आंटी, ये सवामणि की पूजा पिछली बार किसी खास रीजन से हुई थी ना? कंपनी का नया चेयरमैन चुना गया था। आप बनी थी ना चेयरमैन? गौतम और मैं। वाओ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? इंटरनेट पे देखा है मैंने, और मुझे ये भी पता है कि आंटी ने MBA किया है और वो एक बिजनेस वुमन है। फिर आप ऑफिस क्यों नहीं जाती? वो एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था। गौतम मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बच्चियां मुझसे बिछड़ गई। मुझे अपना ही होश नहीं था, काम और कारोबार क्या संभालती। लेकिन आंटी, आपकी बेटियां इतनी बड़ी तो थी ना कि उन्हें अपना नाम और एड्रेस सब कुछ मालूम हो, और जयपुर में आपकी फैमिली को कौन नहीं जानता, तो वो घर आ सकती थी। नहीं, मैंने भी यही सोचा, डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि 5 साल की उम्र तक हमारी यादें मिट सकती हैं, खास करके किसी ट्रॉमा के बाद। फिर वो एक्सीडेंट इतना भयानक था, उसने मेरी जानवी और यामिनी के दिमाग पर, उनकी यादों पर असर तो किया होगा। कोयल, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम्हें याद है जब तुम 5 साल की थी तब क्या हुआ था? हाँ, मुझे कुछ कुछ याद है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.